ये जो सांप्रदायिकता की विचारधारा है ये 20वीं सदी के शुरुआत में आई, उसके पहले सांप्रदायिक विचारधारा नहीं थी और सांप्रदायिक भावना भी बहुत कम थी। जब ईसाई थे इस देश में, मुसलमान थे, हिंदू थे, दुनिया भर के लोग थे। इस देश की विविधता, और इस विविधता के बारे में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस देश में इतनी विविधता है, इतनी विविधता के बावजूद लोग अच्छी तरीके से धर्म के नाम पर झगड़े किए बिना रहते थे। आप तुलसीदास का इतिहास देख लो, आप कोई भी कविताएं देख लो, कहानियां देख लो, इतिहास देख लो, आपको हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं दिखाई देते। खाली एक उल्लेख 1707 में एक दंगे के बारे में उल्लेख है जो अहमदाबाद में हुआ। 2000 साल से ईसाई रह रहे हैं, 1400 साल से मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, झगड़े नहीं थे। झगड़ों का इतिहास, सांप्रदायिकता का इतिहास, सांप्रदायिक विचारधारा का इतिहास 20वीं सदी का है, और वो 20वीं सदी का इतिहास उसका जो आधार है वो इस तरीके से है कि इस देश में सावरकर ने जो 1923 में किताब लिखी हु आर हिंदूज, हिंदुत्व या हिंदू कौन है, और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने जो कल्पना लिखी, उसका जो संक्षिप्त में उसका आधार ये है कि इस देश में सिंधु नदी से अरब सागर तक की भूमि में रहने वाले लोग, इस भूमि को, इनमें से जो लोग इसको अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि कहते हैं वो हिंदू हैं और बाकी हिंदू नहीं हैं। ये पितृभूमि हम लोग मातृभूमि कहते हैं, लेकिन सावरकर ने हिटलर से प्रेरणा शायद ली होगी, जर्मनी इससे प्रेरणा ली होगी, तो वो हिटलर भी पितृभूमि कहते हैं, सावरकर भी पितृभूमि कहते हैं। तो पितृभूमि या मातृभूमि जो यहाँ जिसका जन्म यहाँ होता है, जिसके माँ बाप, जिसकी भावी पीढ़ी यहाँ, पिछली पीढ़ी यहाँ रहने यहाँ जन्मी है, वो सारे इसको अपनी मातृभूमि मानते हैं या कह लो पितृभूमि मानते हैं। ये किसकी पुण्यभूमि नहीं है, ये जिनकी पुण्यभूमि मक्का में है मुसलमान, जिनकी पुण्यभूमि जेरूसलम में है ईसाई, ये हिंदू नहीं है, बाकी सारे हिंदू हैं। अब हिंदू में उन्होंने किसको किसको समावेश किया, पहले तो हिंदू एक बहुत भौगोलिक कल्पना थी। अंग्रेज आने के पहले, अंग्रेजों ने पहले 19वीं सदी के अंत में इस भौगोलिक कल्पना को धीरे धीरे एक धार्मिक कल्पना के तौर पर स्वीकार करने लगे। उन्होंने जो जनगणना की उसमें उन्होंने उसको धार्मिक कल्पना देकर, पहले हिंदू कहते थे आप किसकी भी पूजा करो, इस भू पर रहने वाले सारे हिंदू थे। बहरहाल सावरकर के इस व्याख्या में जैन, बुद्धिस्ट, सिख, हिंदू सारे इस व्याख्या में हिंदू में आते हैं। सावरकर नास्तिक थे, उनके जो बायोग्राफर है धनंजय की, जो उनके सिंपैथेटिक बायोग्राफर है, जो उनसे सहानुभूति रखते हैं और उनके बायोग्राफर है, वो कहते हैं कि सावरकर नास्तिक थे। और सावरकर खुद कहते हैं कि ये धार्मिक कल्पना नहीं है, ये एक सांस्कृतिक कल्पना है, इसलिए वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऐसी व्याख्या देने के पीछे मकसद क्या था, मकसद एक ही था कि एक सारे हिंदुओं को इकट्ठा करो और ईसाई और मुसलमान के खिलाफ निरंतर नफरत फैलाते रहो। आज जो सारे मुद्दे हैं, आज जो नफरत की बातें वो कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसकी जड़ उस सावरकरी विचारधारा में है, सावरकरी विचारधारा में है जो भारत के लोगों को हिंदू और अहिंदू में और गैर हिंदू
और गैर हिंदू कौन है? विदेशी है। उसको उसने कहा ये लोग विदेशी है, और विदेशी विदेश और हिंदुओं को चाहिए कि वो विदेशियों से, यानी भारत में रहने वाले मुसलमान, भारत के नागरिक ईसाई, इनके साथ निरंतर युद्ध करता रहे। और ये वो कर रहे थे, जब ये युद्ध की बात कर रहे थे, मैं बहुत संक्षिप्त में ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन डिटेल में जाने की ज़रूरत है, लेकिन एकदम संक्षिप्त में कह रहा हूँ। ये युद्ध की जब बात कर रहे थे, कब कर रहे थे? जब अंग्रेज़ भारत पर राज कर रहे थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, स्त्री, पुरुष, पिछड़ा वर्ग, दलित, सारे मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज़ लड़ाना चाह रहे थे अपना राज टिकाने के लिए, और एक बाजू से मुस्लिम लीग, दूसरी बाजू से हिंदू महासभा, और ये जो सांप्रदायिकता की विचारधारा है वो भारतीयों को आपस में लड़ा रही थी, वो कह रही थी। और सावरकर ने हमेशा, वैसे ही मुस्लिम लीग ने, सावरकर और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अंग्रेज़ों के एजेंट का काम किया, अंग्रेज़ों और वो अंग्रेज़ को हमेशा सपोर्ट करते रहे और आज़ादी के आंदोलन को विरोध करते रहे, वो चाहे आरएसएस हो या चाहे हिंदू महासभा हो या ये हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को जो लेकर चलते हैं वो। ये इस विचारधारा को लेकर एक काम करते हैं और भटकाते हैं हम लोगों को, यहाँ के जो गरीब किसान है, मेहनतकश जनता है, मजदूर है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवान है, महिलाएं हैं, सबको अपने प्रश्नों से भुलाकर गोलबंद करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। मोबिलाइज करते हैं किसके लिए? उन्हीं के हितों के खिलाफ। दरअसल मैं आपको एक झलकी देता हूँ कि भारत में हो क्या रहा है और सांप्रदायिकता कर क्या रहा है। 2010 का आंकड़ा आप ले लें तो सबसे श्रीमंत 1% भारतीयों के पास 58% भारत की संपत्ति थी, और ये अभी जो पिछले साल 2017 में ऑक्सफैम ने जो सर्वे किया उसमें सबसे श्रीमंत 1% भारतीय जनता के पास, भारतीय सबसे श्रीमंत 1% भारतीय लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है। ये विषमता बहुत बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। एक चोर को मैंने पूछा, उससे बातचीत हो रही थी और दोस्ती हो रही थी, भाई आप चोरी कैसे करते हो? वो कहता है बड़ा आसान है हमारे लिए चोरी करना, हम आपका ध्यान भटकाते हैं, कहीं और खींचते हैं और पीछे से पॉकेट मारते हैं। आपका ध्यान कहीं और हो तो पीछे से आपकी पॉकेट खींच लेते हैं। यही काम सांप्रदायिकता का की विचारधारा को मानने वाले यही काम कर रहे हैं कि हमारा ध्यान हमारे रोज़मर्रा के सवालों से हटाकर, हेमांगी मैडम ने हमको शिक्षण का बताया, मैथ्यू सर ने हमको युवकों के प्रश्न और उच्च शिक्षण और रोज़गार के मुद्दे बताए, अभी शाह सर ने हमको किसानों के मुद्दे बताए, सुबह प्रशांत भूषण साहब ने हमको कैसे एक वर्ग के पास इतना पैसा आ गया है और इस लोकतंत्र को सुरंग लगा रहे हैं, उसी को ख़त्म कर रहे हैं, उसी को तोड़ मरोड़ रहे हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, ये हमारे मुद्दे नहीं बन रहे। हमारे मुद्दे क्या बन रहे हैं? पद्मावत हम देखेंगे या नहीं? हमारे मुद्दे क्या बन रहे हैं? इस देश में लव जिहाद हो रहा है या नहीं, और यहाँ मुसलमान यहाँ रहने चाहिए या पाकिस्तान में रहने चाहिए, और वो टेररिस्ट है या नहीं, और दुनिया भर के भ्रम और गलत विचार फैला रहे। ताजमहल तेजो महल था, एक एक मुद्दे को लेकर
बाबरी मस्जिद पर हमारा ध्यान उल्टाया जा रहा है, गाय पर हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। ये कहते हैं गाय की कत्ल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज गाय को कत्ल अगर हिंदू करे तो ठीक, पर अगर गाय की का कत्ल, गाय को ट्रांसपोर्टेशन भी अगर मुसलमान करता हो तो वो स्लॉटर हाउस ले जा रहे हैं और उसकी मार पिटाई वगैरह वगैरह होगी। इस देश में छोटे कारखाने जो कसाई गाय या बड़े जानवर काटते थे, सिर्फ गाय नहीं बड़े जानवर काटने के जो छोटे कत्तल खाने थे, बहुत छोटे लोकल कंजम्पशन के लिए जो कत्तल खाने थे, उन कत्तल खानों को तो बंद कर दिया, इलीगल है करके बंद कर दिया। लेकिन आपको पता है कि भारत ये बड़े जानवर का मांस एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा देश है, और मोदी ने उसको चुनावी मुद्दा बनाया था, पिंक रेवोल्यूशन, ये कहकर कि कांग्रेस की वजह से ये जो गाय का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया था कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। इन 3.5 साल में इंडिया नंबर 2 पर भी नहीं आया, और गाय का मांस का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और ये बड़े कत्तल खानों में हो रहा है, जो एकदम मैकेनाइज कत्तल खाना है, जहाँ एक एक दिन में 100-100 टन और 10-10 टन मांस गाय को काट कर उतने, या बड़े जानवर को काट के वो मांस को पैकिंग करते हैं, इतनी बड़ी क्षमता वाले कारखाने हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में बड़े जानवर कट रहे हैं, उस पर इनकी चुप्पी है। और ये कारखाने के मालिक, उनका नाम है मुसलमान का कारखाना, ये एक अग्रवाल जैन का कारखाना है, जो अहिंसा की बात करेगा, जो कहेगा मैं मच्छर को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन ये उसके गौरक्षक बता दो जिसने अल कबीर पर प्रश्न चिन्ह उठाया, कोई भी प्रश्न चिन्ह। ये मारते हैं मोहम्मद अखला खान को गलत इल्जाम लगाकर, या पहलू खान को, या जुनैद खान को, या ऐसे जो बेचारे छोटे मोटे व्यक्ति हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, जो गाय को दूध पालने के लिए बाजार से खरीद कर लेकर जाते हैं, ऐसे लोगों को मार। ये तो मैं इन सारे मुद्दों पर आपको बता सकता हूँ। लव जिहाद में भी एक बता दे, एक 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 ऐसी ये बता दे कि जिसने किसी एक मुसलमान ने हिंदू लड़की को किस साजिश के रूप में फंसाया, मुसलमान नौजवान एक साजिश के रूप में ये सब कर रहा है, ये इसका एक एक उदाहरण वो नहीं ला सके। एक हादिया का केस मिला तो पूरी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पर लगा दी, और फिर भी उस औरत की हिम्मत और ताकत देखो, 3 साल अपने बाप के कैद में रही, और फिर भी वो कह रही है उसको, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करो, तो फिर भी वो गाड़ी से पत्रकार पूछ रहे हैं तो उसको किसी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, फिर भी वो चिल्ला रही है तो मुझे मेरे शौहर के साथ रहना है, मेरा शौहर जो भी है उसकी शादी को उन्होंने नील कर दिया। तो ये हम एक बात इसको समझ लें, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसे मुद्दों पर हमारा ध्यान भटका कर कुछ लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, उद्योगपति इस देश को दो दो हाथों से लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है इस देश में, किसान भूखे मर रहे हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं है, वगैरह वगैरह, यहाँ हमारे मुद्दे नहीं जाते, और हम उन लोगों के पीछे गोलबंद होते हैं जो हमें हमारे ही प्रश्नों के खिलाफ मोबिलाइज करते हैं। मैं बहुत समय मैंने ले लिया, एकाध मुझे ललित बाबर साहब ने कहा था कि मैं गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात करूं, 2-4 मिनट उस पर बात करके, हमारे देश की जो तहजीब रही है, कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है, वो बहुत समृद्ध और बहुत विविध रही है। उसकी समृद्धि इसलिए क्योंकि विविधता है,
और ये विविधता सबके कंट्रीब्यूशन से बनी है। सारे हिंदू मुस्लिम ईसाई जैन सिख सब ने इस संस्कृति को समृद्ध किया है। यहाँ मुख्य दो धाराएं रही हैं, एक ब्राह्मणवादी धारा संस्कृति वेद और उसकी धारा, और दूसरी जो लोकप्रिय या जनता की धारा जिसमें आपको भक्ति संत मिलते हैं, तुकाराम और इनका जिक्र हुआ सुबह, और वैसे ही सूफी संत मिलते हैं। मैं कुछ सूफी संतों की एक दो किस्से कहानी बताऊंगा एक दो दो चार मिनट में, और हमें पता चलेगा कि इस देश का यहाँ के समाज का जो ताना बाना है वो सभी धर्मों की संतों ने इस ताने बाने को जोड़कर बनाया है, जिसमें साने गुरुजी भी शामिल हैं। मैं उनका आप बाहर जाकर पढ़िए उन्होंने इस देश की संस्कृति के बारे में क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, और ये कैसे ताना बाना रहा है उसके बारे में एक नमूना आप बाहर जाकर पढ़िएगा। लेकिन आपको पता है सिख ग्रंथों में बाबा फरीद के 100 जो एक सूफी संत थे उसके 108 कंपोजिशंस और कविताएं बाबा सिख गुरु ग्रंथ में समावेश है। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, वो भी एक सूफी संत थे जिसके मुरीद बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन औलिया बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक बार वो अपने शागिर्द खुसरो के साथ यमुना के तट पर सैर कर रहे थे, कुछ हिंदू औरतें सूर्य नमस्कार कर रही थी, उसको देखकर निजामुद्दीन औलिया खुसरो को कहते हैं, ओ खुसरो उन औरतों से नफरत न करना, वो भी अल्लाह की इबादत कर रही है। क्या कर रही थी वो? सूर्य नमस्कार कर रही थी। वो भी अल्लाह की इबादत कर रही है। अल्लाह की इबादत करने के इतने ही तरीके हैं जितने यमुना के तट पर मिट्टी के कण, यानी सिर्फ एक नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत नहीं होती, ये भी एक अल्लाह का इबादत करने का तरीका। इस तरीके से आप देखिए ये सारे जो सूफी संत थे उनके मज़ारों पर 2400 घंटे खाना बनता रहता था, और वहाँ दलित हो या कि कोई जाति का हो कोई धर्म का हो सभी को आवकार था, सभी लोग खाना खा सकते थे, कोई भूखा नहीं जाता। सबको खाना खिलाने के बाद निजामुद्दीन औलिया सिर्फ जौ का आटा फाक कर रहे थे। उनको किसी ने पूछा, आप सबको इतना अच्छा खाना खिला रहे हैं, आप क्यों ये सूखा आटा फाक कर अपना ज़िंदगी गुजार रहे हो? नहीं, मुझे जिंदा रहने के लिए सिर्फ आटा काफ़ी है, मेरे मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने जो जो इस्तेमाल किया वो मैंने क्यों किया। आटे का हिसाब तो मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा जो टेस्ट के लिए अच्छे टेस्ट के लिए उसका हिसाब मैं अल्लाह को नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए मैं सिर्फ आटे का ही। इस तरीके से जो एक दूसरे को जोड़कर सूफी संतों का प्रभाव भक्ति इस पर पड़ा है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव सूफियों पर पड़ा है। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई शिव मंदिर की सीढ़ियों पर, मुसलमान ये जो आगरा घराना ग्वालियर घराना अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है उसको संजोए रखने का काम बहुत सारे ये मुसलमानों ने किया। वो चाहे बहुत सारे संगीतकारों का हम नाम ले सकते हैं, सितार जो हमारा क्लासिकल इसका ये खुसरो की शोध है और इसका नाम आता है सितार सह तार से, सह पर्शियन में तीन को सह कहते हैं, तो सह तार से सितार, क्योंकि सितार में तीन तार होते हैं जो संगीत बजते हैं। तो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस हो, चाहे कथकली हो मणिपुरी हो, जिसमें जो एक मुस्लिम राजाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है, मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है, संगीत में जो कंट्रीब्यूशन है, आर्किटेक्चर में जो कंट्रीब्यूशन है,
समाज के हर क्षेत्र में यहाँ की सबसे बढ़िया कृष्ण लीलाएं लिखी है रसखान ने। रसखान की कृष्ण लीला, उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, टाइम नहीं है यहाँ बताने का। येसुदास ईसाई था, गुरुवायूर मंदिर में उसको प्रवेश नहीं था, उसने सारे अपने गाने गुरुवायूर मंदिर के बाहर गाए, अपने सारे भजन और गाने की कला। सालबे वो सूफी संत था जो जगन्नाथ से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो मुसलमान था, उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में उसको प्रवेश नहीं था, बाहर बैठकर उसने जो भजन लिखे हैं जगन्नाथ के, इसमें वो सारे सब लोग गाते हैं और एक मिसाल है कि इस तरीके से हम लोग रहे हैं। एक कविता में सालबे जगन्नाथ को कहते हैं, भगवान जगन्नाथ को, हे जगन्नाथ, तुम्हारा मेरा मिलन इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि मुझे तेरे मंदिर में प्रवेश नहीं है, इसलिए अब एक ही तरीका है तुझसे मिलन का, तू मुझे अपने पास बुला ले, वही मिलन का, यानी मौत दे दे ताकि मैं तेरे पास आऊं और हमारा मिलन हो। और साथियों, इस ताने बाने को संजोए रखने के लिए हम लोगों को मोहल्ला कमिटीज़ बनानी पड़ेगी अपने एरिया में, इस सांस्कृतिक विविधता के बारे में अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। नफरत की राजनीति हमको बुद्धू बनाती है, बोंदू बनाती है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मोहल्ला कमेटी में हम अगर इस भारत की विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करें और भारत की जो समृद्ध संस्कृति है, अब्राह्मणी संस्कृति है, उसके बारे में समता की जो संस्कृति है, तुकाराम और हम लोग ये सारे हमारे संगठन की तरफ से इन संतों की वाणी लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्पर्श करते हैं, इसके बारे में अगर हम जागरूकता करें, सांस्कृतिक जागरूकता करें और हमारे समता की जो संस्कृति है और हमारी परंपराएं हैं उनको अगर लोगों तक ले जाएं, तो हम इन सांप्रदायिक शक्तियों को टक्कर दे सकते हैं। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का आईना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर दबाइए और फिर घंटी को दबाइए और ये चैनल देखते